आज का वीडियो जो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है, खास करके जो बिहार बोर्ड से है उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लोग को केमिस्ट्री के यूनिट 10 जिनका नाम है हेलोएल्केन्स तथा हेलोएलिन्स, यानी इस यूनिट के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बतला रहे हैं, जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो खास करके जो बिहार बोर्ड से है उनके लिए वीडियो जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखोगे इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पूरी ईमानदारी से क्या कर लोगे बाबू, कंप्लीट करोगे। आखिर कंप्लीट क्यों करोगे, कंप्लीट इसलिए करोगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का, पहला क्वेश्चन है हीरे में कार्बन का संकरण है, तो हीरे में कार्बन का संकरण पूछा गया है। तो संकरण जो है आप सबको मालूम है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड जो है 2016 में आपका आया हुआ भी है। तो हीरे में कार्बन का संकरण आपको मालूम होना चाहिए, मालूम नहीं है तो इनको आप याद रख लोगे क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी आज की वीडियो में जो भी इस यूनिट से या इस यूनिट के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे वो सारा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका sp3 हो जाएगा, यानी हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। उसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है योग्यात्मक अभिक्रिया द्वारा या विस्थापन अभिक्रिया द्वारा या विलोपन अभिक्रिया द्वारा या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा जो है एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, यानी आर सिंगल बॉन्ड एक्स को आर सिंगल बॉन्ड ओएच, यानी इस एल्किल हैलाइड को इस अल्कोहल में कौन से अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2009 में आया हुआ है तो आप सबको मालूम होना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया। इन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करोगे इन सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका एल्कीन, एल्कीन लिखा हुआ है यहां पे, एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है। आप 10th क्लास में भी पढ़े हो और 12th में भी पढ़े हो, ठीक है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी CnH2n। ये आपका एल्कीन का क्या है सामान्य सूत्र है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। ये क्वेश्चन आपका 2012 बिहार बोर्ड में आया हुआ है, यानी आपको जो है CnH2n+2 ये किसका है, एल्केन का है, एल्किन एल्केन। तो आप सबको मालूम है कि CnH2n+2 ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका निम्नलिखित में फिनॉल को पहचानिए, क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो फिनॉल का देख लीजिए 4 संरचना सूत्र दिया हुआ है, तो ये तो फिनॉल है नहीं, ये भी आपका फिनॉल नहीं है, ये भी आपका नहीं है, फिनॉल आपका ये है। बेंजीन में OH समूह को आप देखोगे तो समझ जाना वो फिनॉल है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए अभिक्रिया C2H5Br, ये आपका एथिल ब्रोमाइड है, इसको अल्कोहल QH के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, तो आपको एथीन मिलेगा, क्या मिलेगा एथीन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी एथीन प्राप्त होगा। आज के वीडियो में सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे तो क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2021 में आया हुआ है। तो आप सबको मालूम है आपको क्या मिलेगा, फॉस्जिन मिलेगा, COCl2 मिलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए इस प्रकार से आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है अभिक्रिया, यहाँ पे देख लीजिए आपका हेलो बेंजीन का 2 अणु को सोडियम धातु के 2 अणु के साथ रिएक्शन करना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको डाइफेनिल मिलेगा। तो इस अभिक्रिया को आप क्या कहोगे, तो आप सबको मालूम है इन अभिक्रिया को हम लोग फीडिंग अभिक्रिया कहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, तो BF3 हो जाएगा। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई, ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, तो आप सबको मालूम है कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम होता है, यानी 1.54 एंगस्ट्रम इनका ये हो जाएगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यदि आप चाहते हो, ठीक है, जिस यूनिट का चाहते हो कि वीडियो बनना चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारा यूनिट है, फिजिकल में भी है, ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में, जिस यूनिट का आप चाहते हो कि इनका ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बनाना, उस यूनिट का हम क्या करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाबू आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।